आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोर इनसाइड अवर आवर बॉडी इनसाइड मतलब अंदर अवर मतलब हमारे बॉडी मतलब शरीर हमारे शरीर के अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो तो कैसी होती है उसके बारे में हम जानेंगे इनसाइड अवर आवर बॉडी आइए हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है वो जानते हैं वैन यू लुक इन द मिरर यू सी द एक्सटर्नल आउटर पार्ट ऑफ अवर योर बॉडी वॉट लाइज Inside, under the skin, there are muscles and bones. There is some fat too. The muscles and bones help you move, and the fat keeps योर warm. तो आप देखेंगे मिरर के सामने आप खड़े होकर अपने आप को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है आपको अपना इमेज दिखाई देता है आपको आप आप खुद अपने आप को देख सकते हो लेकिन जो आप देखते हैं वो क्या है वो सिर्फ एक्सटर्नल मतलब आउटर पार्ट है आपका बाहरी भाग बाह। लेकिन इसके अलावा भी हमारी जो इस बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं कौन कौन से अंग होते हैं क्या क्या चीज़ें होती है वो जानेंगे तो हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर क्या होता है मसल्स होते हैं बोन्स होते हैं देर इज़ सम फैट टू फैट भी होते फैट मतलब होता है वसा मतलब चर्बी मोटापा द मसल्स एंड बोन हेल्प टू मूव जो मसल्स और बोन होते हैं वो हमारी बॉडी को मूव करते हैं मूव कराते हैं चलने फिरने में सहायता देते हैं है ना एंड फैट जो होता है वो हमें गर गर्म रखता है वाम रखता है इनसाइड द हलोफॉर्म बाय द बोन्स ऑफ योर हैड एंड चेस्ट इज लाई सम इंटरनल इनर ऑर्गन्स तो आप देखेंगे कि जो हॉलो मतलब खोखला जो भाग होता है हमारे जो बोन्स एंड आपके जो चेस्ट आप देखेंगे यहाँ पर कोई हड्डियाँ हैं उसके अंदर जो होते हैं खाली तो नहीं रहता है यहाँ पर क्या होते हैं पूरे आर्गन्स होते हैं मतलब अंग होते हैं इनर्स आर्गन आर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैव अ स्पेशल जॉब टू डू हर एक आर्गन का अलग अलग वर्क होता है अलग अलग काम होता है जैसे आर्गन्स हेल्प अस टू सी जैसे आप देखने के लिए देखने के लिए ऑर्गन का यूज़ करते हैं आइस ईयर्स ऑर्गन और हेल्थ टू हीयर कान जो होता है ईयर होता है उससे आप क्या सक, कर सकते हैं सुन सकते हैं हीयर मतलब सुनना एंड सोन दे आर इंटरनल आर्गन इन साइड अवर एबडोम टू आपके इन ऑर्गन्स के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एबडोमिन में होते हैं मतलब आपके पेट में मतलब उधर में होते हैं द एबडोमिन इज स्पेस बिलो द चेस्ट शो इन द पिक्चर बिलो जो आपका एबडोमिन होता है वो कहाँ होता है तो चेस्ट के नीचे होता है, ये क्या होता है आपका एबडोमिन देखेंगे आप यहाँ पर पिक्चर सम इंटरनल ऑर्गन्स लाइज इन साइड द होलो फॉम बाय द बोन्स ऑफ द चेस्ट विच प्रोटेक्ट दिस ऑर्गन ये जो आपका चेस्ट है चेस्ट के जो हॉलो पार्ट होलो पार्ट मतलब खोखले भाग में कुछ ऑर्गन्स होते हैं अंदर में कि क्या करता है चेस्ट इस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है देन सम इंटरनल आर्गन्स लाइज इन साइड द एबडोमिन और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एबडोमिन के एबडोमिन में होते हैं ओके okay? यहाँ पर एक द ह्यूमन स्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमन स्केलेटन है मतलब यहाँ पर पूरी हड्डियों का ढांचा है जिसे कंकाल तंत्र भी बोलते हैं स्केल्टन ओके तो ये क्या करता है लार्ज नंबर ऑफ बोन्स ये पूरी हड्डियों का एक बना हुआ ढांचा है आप देख सकते हैं इसी की मदद से हम चल फिर सकते हैं हम खड़े हो सकते हैं ओके then next है blood running through all your organ muscles skin and even bones are tubes carrying blood तो so blood होता है वो कहाँ कहाँ रहता है तो blood पूरे हमारे organ में muscles में skin में आ uh, blood uh, tube में सभी तरफ क्या रहता है और दौड़ता रहता है रनिंग मतलब दौड़ता रहता है ना दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड वीन्स एंड आर्टरीज और जो ये ट्यूब्स होती है ये जो ट्यूब्स होती है ब्लड ट्यूब्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं वीन्स एंड आर्टरीज कहते हैं वीन्स को हम क्या बोलते हैं शीरा बोलते हैं हिंदी में एंड आर्टरीज मतलब धमनिया बोलते हैं ब्लड रशेज फ्रॉम फ्रॉम योर हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी थ्रू दिस ट्यूब्स और इनकी मदद से अलग अलग ट्यूब्स में विन्स में और आर्टरीज में अलग अलग पार्ट में ब्लड क्या होता है बहता है ठीक इट्स केरिंग फूड एंड ऑक्सीजन और इन्हीं में ही जो हमारा खाना है फूड मतलब खाना ऑक्सीजन जिससे हम लोग क्या करते हैं ब्रेथ करते हैं सांस लेते हैं इनमें से होकर गुजरता है द फूड एंड ऑक्सीजन गेट अनलोडेड एट ऑल द पार्ट ऑफ योर बॉडी और आपके हर एक पार्ट में क्या रहता है बीन्स एंड आर्टरीज में ऑक्सीजन एंड फूड होता है ओके okay? पहले तो आपका ये आर्टरीज होता है और आर्टरीज को हम धमनी कहते हैं धमनियों में ही ऑक्सीजन एंड फूड थ्रो मतलब बहता है उसी के साथ लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल आप यहाँ पर देख सकते हैं वीन्स में शिराओं में होता है ठीक इन साइड योर बॉडी योर ऑर्गन्स आर पैक्ड एज दे आर इन दिस पिक्चर द इंटरनल ऑर्गन आर लेबल्ड इन रेड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न वॉट दिस ऑर्गन्स तो आप नीचे यहाँ पर देखेंगे एक पूरी ऑर्गन्स कौन कौन सी ऑर्गन्स होती है कौन कौन से आपके कहाँ पर रहता है और का नीवस के बारे में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये बॉडी है तो बॉडी का यहाँ पर सबसे पहले ये स्कीन है लेकिन यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं स्किन को हटा के आपको दिखा रहे हैं कि स्किन के अंदर पे कौन कौन से पार्ट होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेन सब ब्रेन देखेंगे ओके नै बोन बोन ये वाला जो पार्ट है ना ये जो आइज़ के पास का जो पार्ट है यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है नेक्स्ट है मसल्स है ओके okay? लीवर है यहाँ पर एंड हार्ट यहाँ पर है सिचुएटेड है कहाँ पर ये चेस्ट में लंग्स है स्टमक है लार्ज इंस्टाइन है इंटेस्टाइन है मतलब बड़ी आँत बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं छोटी आँत बोलते हैं ठीक तो एक पिक्चर है जिसमें आपको पूरे मसल्स पूरे जितने भी आपके क्या है ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिफाइन किया जा रहा है फर्स्टली ब्रेन बोन हार्ट लंग्स स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन एंड अ स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर इनके नाम आपको लर्न होने चाहिए ओके देन नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी तो स्टार्ट विथ लेट अ which विच इंटरनल आर्गन us द फूड वी ईट दे आर shown बिलो आप नीचे पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ पर आ, कुछ आर्गन्स ऐसे होते हैं जो फूड हम लोग ईट करते हैं आ, खाना खाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से आर्गन्स स्पेशल स्पेशली होते हैं तो हम सबसे पहले आ, आपके जो माउथ होता है जो मुंह होता है वहाँ से आप फूड ईट करते हैं तो ये फूड पाइप होती है फूड पाइप से आपके यहाँ पर फूड लीवर में आता है लीवर के बाद किस में स्टमक में स्टमक में जाने के बाद ये किस में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका किस में आता है लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरीके से पूरा एक फूड जब आप लोग खा खाना खाते हैं ना तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है ठीक देन नेक्स्ट है द स्टमक स्टमक अब क्या है तो स्टमक स्टार्ट करते हैं योर स्टमक इज़ योर बॉडी मिक्सी जो आपका स्टमक होता है जो आपका पीठ होता है वो क्या करता है आपकी बॉडी का एक मिक्सी है जैसे आप मिक्सी में किसी भी चीज़ को पीसते हैं तो वैसे ही आपकी बॉडी में पीसने का जो वर्क है पीसने का कार्य है वो कौन करता है स्टमक करता है वैन यू चीप द फूड इन योर माउथ मिक्सिस विद सलाइवा एंड बिकम्स अ पेस्ट जब आप खाना खाते हैं ठीक खाना खाते हैं तो आप दांतों से चबाते हैं चबाते हैं मतलब चीव करते हैं उसे पीसते हैं और ये जो आपका मिक्स होता है किसमें जब आप मिक्स करते हैं मुंह में सलाइवा होता है सलाइवा मतलब लार लार के साथ ये फूड का क्या हो जाता है एक पेस्ट बनता है वैन यू सलो दिस पेस्ट मूव डाउन योर फूड पाइप जब आप खाना खाते हैं चीव करके तो यहाँ पर सलाइवा uh, के साथ मिक्स होकर एक पेस्ट बनने के बाद ये फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाता है स्टमक में आता है ओके द स्टमक इज लाइक जे शेप्ड बैग जो आपका स्टमक होता है स्टमक इज लाइक अ जे शेप बैग जे शेप बैग देखेंगे ये देखें जे जे तरीके से एक जे टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है जे शेप बैग में होता है जे तरीके का वैन द फूड पेस्ट रिच इट इज एक्सपेंडेड स्लाइटली द स्टमक फर्स्ट ब्रेक्स अप अपूड इन टू स्मॉलर पीसेस यहाँ पर स्टमक छोटे जो हम खाना पेस्ट यहाँ पर जाता है ना फूड पेस्ट वो उसे और छोटे छोटे भाग में तोड़ती है धीरे धीरे से स्मॉलर पीसेस में तोड़ती है देन द फूड डिसोल्व और मिक्सिस विद द स्टमक जूस टू टर्न इन टू लिक्विड तो यहाँ पर स्टमक टू जूस से ठीक यहाँ पर स्टमक जूस जो है वो आपके फूड uh, से मिलती है फूड पेस्ट से मिल जाती है और उसे क्या कर देती है लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देती है दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब फूड ओनली द लिक्विड फॉर्म क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नेसेसरी ये बहुत ज़रूरी है आपके खाने को किस में चेंज करना लिक्विड में कर चेंज करना क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो फूड को किस में एब्जॉर्ब करती है लिक्विड फॉर्म पर ही एब्जॉर्ब करती है तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टमक का एक पिक्चर है द फूड गेट्स डिसोल्व इन द जूस ऑफ द स्टमक ओके नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इन टू द फॉर्म इन विच इट कैन बी एब्सॉर्ब इज कॉल्ड डाइजेशन और खाने को आपके जो फूड होता है उसको चेंज करने का जो प्रोसेस होता है और ऑब्जर्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं डाइजेशन जब आपका फूड होता है वो लिक्विड फॉर्म पे पहले चेंज हो गया चेंज होने के बाद जब ऑब्जर्व किया जाता है आपकी बॉडी के थ्रू तो उसे हम क्या कहते हैं डाइजेशन तब हम बोलते हैं कि हमारा खाना पच गया है ओके दैन नेक्स्ट द स्मॉलर इंटेस्टाइन द य स्टमक कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल द फूड यू इट आपका जो स्टमक है वो हर टाइप के खाने को डायजेस्ट नहीं कर सकता सो इट पुस्ट द फूड इंटू अ लॉन्ग कॉयल ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन तो हम ऐसे खाने को फिर खाने को हम कहाँ पर ढकेल देते हैं पर कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कर देते हैं स्मॉल कहा है? रहा होगा ना जो बहुत ही क्वाल मतलब पूरा घुमा हुआ क्वाल जैसे घुमा होता है ना वैसे ही घुमा हुआ इसे हम क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं नेक्स्ट है द जूस इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश दॉब लेफ्ट ओवर बायर स्टमक blood picks up to liquid form from your all intestine and carries into the rest of your body. ठीक नेक्स्ट है द लिवर योर लिवर इज द बिगेस्ट organ your body जो हमारा लिवर होता है वो बिगेस्ट organ है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है कौन सा लिवर होता है सबसे बड़ा organ होता है इट मेक्स अ जूस दैट हेल्थ टू डाइजेस्ट फूड इस इसकी जो लीवर में एक जूस होता है रस होता है उससे ही हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है इट पास डिस यूज इंट स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू आ ट्यूब और, और लीवर से ही एक जूस निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मिलता है नेक्स्ट है द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल द फूड यू ईट नॉट नीडिड बाई योर बॉडी हर टाइप के जो फूड होते हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी को व्हाट इज़ नीडेड गोज इन टू द ब्लड व्हाट इज़ नॉट नीडेड पासिस इन टू योर लार्ज इंटेस्टाइन और ये आ, ये ही आ, क्या करती है डिसाइड करती है कि कौन सी आ, जो हमारी नीड है हमारी बॉडी को कौन सी नीड है और कब किसकी ज़रूरत होती है तो आ, the large intestine is a wider tube than the smaller intestine it is shorter too it collected, collects all the waste and pushes it out of your body as stool और ये समय समय पर हमारे जो बॉडी है हमारे वेस्ट जो मटेरियल होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं बचा खुचा जो जो भी रहता है खाना वेस्ट मटेरियल जो हमको शरीर से बाहर निकालना होता है बॉडी से बाहर निकालना होता है और हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है तो इसे समय समय पर बाहर निकाला जाता है और आप जब कहाँ जाते हैं आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो आप उसमें उस पेस्ट मटेरियल को निकाल देते हैं ओके द नेक्स्ट है द लंग्स द लंग्स इन साइड द केस फॉर्म फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ योर चेस्ट लाई अ पेयर ऑफ लंग्स आपके बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोन्स के अंदर पे एक दो पे, एक पेयर होता है ठीक है दो एक पेयर होता है उसमें लंग्स होते हैं ठीक है बॉडी में ऐसे सिचुएटेड होता है इसके अंदर बोन्स के अंदर ओके okay? और ये अंदर का पार्ट होता है लंग्स जो आपको एक पेयर दिखाई दे रहा है दे हेल्प यू टेक इन ऑक्सीजन एंड थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी मदद से हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रेथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ओके द एयर यू ब्रेथ इन ट्रेवल फ्रॉम योर नोस टू योर लंग्स थ्रू योर वाइंड पाइप तो आप जब सांस लेते हैं जैसे देखिए आप यहाँ पर से नोज से आप सांस लेंगे तो यहाँ पर फूड पाइप फूट पाइप है वैसे ही यहाँ पर वाइंड पाइप होता है देखेंगे वाइंड पाइप है वाइंड पाइप के थ्रू आपका ऑक्सीजन जाएगा अंदर ओके द लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव इन टू द ब्लड दे ऑल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड थ्रो इट आउट तो आपका ऑक्सीजन क्या होता है लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी में फैल जाता है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं हम उसे वापस बाहर निकाल लेते हैं ठीक है थ्रो इट आउट द हार्ट 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 मतलब क्या होता है आपका दिल है ना हृदय जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं हृदय दिल नहीं कहा जाता है ओके लैंग्वेज में आपको हृदय कहा जाता है इसको योर हार्ट ऑल्सो लाइज इन साइड योर चेस्ट आप जो हार्ट होता है वो चेस्ट के इन साइड होता है अंदर होता है इट्स पंप ब्लड इन टू योर आर्टरी क्या करता है ब्लड होता है उसे आर्टरीज में पंप करता है आर्टरीज मतलब धमनियों में पंप करता है मतलब भेजता है योर आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी योर विन्स कैरी ब्लड बैक फ्रॉम योर बॉडी टू योर हार्ट जो ब्लड uh, होता है उसे आर्टरीज में भेजा जाता है और आर्टरीज सभी आपकी पार्ट्स uh, में uh, क्या करता है ब्लड को सेंड करता है फिर विन्स का क्या वर्क होता है शीराओं का क्या वर्क होता है कि जो वेस्ट uh, मटेरियल है जो आपको इम्प्योरीफाइड uh, ब्लड है वो शीराओं में होता है मतलब विन्स में होता है वापिस फिर से कहाँ लेके आता है आपके हार्ट में लेके आता है वेन आ डॉक्टर पोर्ट अस्थेटोस्कोप ऑन योर चेस्ट ही शी हॉ यर्स योर हार्ट बीट दिस इज द साउंड ऑफ योर हार्ट पम्पिंग ब्लड डॉक्टर जो होते हैं वो स्थेथोस्कोप से जब कान में लगा के आपसे आपके चेस्ट में उसके रखते हैं स्टेटोस्कोप को रखते हैं और उस आपकी क्या सुनते हैं धड़कन सुनते हैं मतलब हार्ट बीट सुनते हैं हार्ट बीट कैसे सुनाई देती है आपके पंपिंग ब्लड आपके जो हार्ट में पंप होता है ब्लड आवाज़ आती है हार्ट रेज कहाँ भेजता है सभी पार्ट में भेजता है और सभी पार्ट से जो ये ब्लड होता है वो विंग में आता है तो इसके थ्रू वो वॉइस आती है क्या आती है हार्ट पम्पिंग ब्लड की साउंड आती है उसे ही सुनकर आप डॉक्टर आपके जो भी अगर आप कुछ बीमार हैं तो उससे पता लगाया जा सकता है द किडनीज किडनीज आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एकदम सेम के बीज के जैसे एक पार्ट है मतलब जिसे हम क्या कहते हैं किडनी वैन यू वॉश योर हैंड एट सिंक द दोपी वाटर गोज़ इन द ड्रें आप देखे होंगे कि अब जब हाथ धोते हैं तो वॉश बेसिन में जो आपके गंदगी रहती है हाथ की जो गंदगी रहती है झाग होता है वो उस वॉश बेसिन के पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है योर बॉडी ऑल्सो हैज़ अ ड्रेन सिस्टम और बॉडी में भी ड्रेनेज सिस्टम होता है बाहर निकाला जाता है हम वेस्ट मटेरियल को दिस सिस्टम इज़ पेयर ऑफ आर्गन कॉल्ड अ किडनी और इस सिस्टम को जो ड्रेन किया जाता है ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहते हैं किडनीज़ कहते हैं दे हैव टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड थ्रो इट आउट एज यूरिन ये क्या इसका क्या काम है uh, किडनी का क्या काम है तो जो हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको ब्लड से ब्लड uh, uh, के थ्रू में कन्वर्ट किया जाता है यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पर ब्लड जो रहता है uh, यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया जाता है उस वेस्ट मटेरियल को यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है ओके द किडनीज लुक लाइक टू यूज बीन्स अबाउट द साइज ऑफ योर फीस्ट दे आर एट द बैक जस्ट अबो योअर वेस्ट तो ये आपको कैसे दिखाई दे रही है एक बीन्स यूज बीन्स जैसी दिखाई देती है रेड कलर की होती है जो एक पेयर में होती है ओके देन नेक्स्ट है एंड लास्ट टॉपिक आपका द ब्रेन ब्रेन मतलब होता है दिमाग जिससे आप सोचते ही हैं जिससे आप किसी चीज को याद कर सकते हैं आप याददाश्त इसी के थ्रू होती है आपकी तो हाउ डज योर स्टमक यू वैन टू स्टार्ट मेकिंग जूस टू डाइजेस्ट फूड हाउ डज योर हार्ट नो हाउ हार्ड टू पम्प वैन यू रन हाउ डू हाउ डज योर राइट लेग नो वॉट टू डू वैन योर लेफ्ट लेग इज इन द एयर देन नो बिकॉज योर ब्रेन टेल्स दैम तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि आपकी जब डाइजेस्ट होगा तो उसमें कौन सा जूस मिलना चाहिए तभी आपका फूड डाइजेस्ट होगा आपकी जो हार्ट है वो कौन किस किस ऑर्गन का यूज़ किया जाएगा किस से ब्लड पंप होगा आप जब दौड़ेंगे तो आपका कौन सा पैर उठना चाहिए कौन सा पैर सबसे पहले उठना चाहिए कैसे आप चलेंगे ये कौन डिसाइड करता है कौन बताता है आपको तो कौन बताता है तो आपको सभी ये जो सारी चीज़ें वो आपको ब्रेन बताता है मतलब आपका दिमाग बताता है योर ब्रेन लाइज इनसाइड योर स्कल जो आपका ब्रेन होता है वो कहाँ होता है इन साइड योर स्कल स्कल के नीचे होता है अब आप स्कल क्या है तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी बॉडी का सबसे अपर पार्ट होता है बोन का सबसे अपर पार्ट होता है इसके अंदर पर आपका ब्रेन होता है देखेंगे स्कल ये बहुत हार्ड होता है आप अपना सर को टच करके भी देखें बहुत हार्ड पार्ट है स्कल